होप यू ऑल आर फाइन और दोस्तों स्वागत है आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस कोर्स में और ये लेसन नंबर फोर है दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने लेसन वन टू थ्री कवर कर लिए हैं अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ पर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से कोर्स मिल जाएगा दो कोर्स हैं एक तो स्पोकन वाला कोर्स है अगर आपको स्पोकन सीखनी है तो आप स्पोकन वाली के प्ले लिस्ट में जाइएगा अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो ग्रामर वाली प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ये जो सीरीज है आपको वो ग्रामर की प्ले में मिल जाएगी तो दोस्तों ये है आ, लेसन फोर इसमें हम बात करेंगे नाउन क्या होते हैं उसका पार्ट टू पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कॉमन नाउन्स क्या होते हैं और कॉमन नाउन के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं कैसे पहचानेंगे आप कौन कौन से वर्ड कॉमन नाउन है दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे प्रॉपर नाउन को और कॉपन कॉमन कौ नाउन को दोनों को हम लोग देखेंगे राइट तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा और जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है और जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से आप जरूर फॉलो कर लीजिए वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे आपको मैं डेली पोस्ट मिलते हैं दस पंद्रह पोस्ट में करता हूँ रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश ग्रामर जीएस तो वहाँ सारे अपडेट आपको मिल जाएंगी तो ज़रूर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं जानते हैं कॉमन नाउन के बारे में तो ये पूरी पूरा आप देख सकते हैं लाइन मैंने आपको बताया था कि कितने तरह के नाउन होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन वी हैव ऑलरेडी डन टुडे वी विल टॉक अबाउट द कॉमन नाउन देन वी विल टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सारे नाउन हम लोग कवर करेंगे अलॉन्ग विद देयर रूल्स अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स एंड अलॉन्ग विद एक्सरसाइज राइट तो डिटेल में आपका सब कुछ कवर होगा चलिए बात करते हैं आज हम कॉमन नाउन के बारे में कॉमन नाउन क्या होते हैं पहले बताइए प्रॉपर नाउन क्या होते थे प्रॉपर नाउन वही होते थे जो स्पेसिफिक किसी पर्सन के पर्सन को किसी प्लेस को या किसी चीज को बता देते ऑन द अदर हैंड दोस्तों कॉमन नाउन क्या होता है कॉमन नाउन डू नॉट टेल अबाउट ध्यान दीजिएगा डू नॉट टेल अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन किसी खास पर्सन किसी खास जगह या किसी खास चीज़ को ये नहीं बताते हैं जैसे मैंने बोला आई लव माई कंट्री तो यहां पर जो कंट्री है दिस इज द कॉमन नाउन कंट्री कोई भी हो सकती है अब यहां पर आप देखिए आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा जो आपको कंफ्यूजन होगा यहां देखिए यहां लिखे हैं प्रॉपर नाउन यहां लिखे हैं कॉमन नाउन, है नाउन जैसे आकाश आकाश एक स्पेसिफिक नेम है इसीलिए यह कहलाता है प्रॉपर नाउन लेकिन ये जो आकाश है इसका कॉमन नाउन क्या होगा आकाश जो है वो एक लड़के का नाम है या किसी आदमी का नाम है तो आकाश एक प्रॉपर नाउन हुआ लेकिन मैन और बॉय ये तो कोई भी हो सकता है मान लीजिए आकाश और रोहित हैं तो दोनों बॉय भी हो सकते हैं दोनों मैन भी हो सकते हैं लेकिन रोहित आकाश नहीं हो सकता ना इसलिए आकाश एक प्रॉपर नाउन है और मैन या बॉय ये कॉमन नाउन है उसी तरह अमेरिका अमेरिका इज अ प्रॉपर नाउन ऑन द अदर हैंड अमेरिका इज अ कंट्री और कंट्री तो और भी हैं इंडिया भी तो एक कंट्री है तो कंट्री इज अ कॉमन नाउन अमेरिका इज़ अ प्रॉपर नाउन थ्री इडियट्स ये एक मूवी का नाम है तो ये एक स्पेसिफिक मूवी का नाम है लेकिन अगर हम फिल्म की बात करें फिल्म ठीक है तो वो क्या होगी कॉमन नाउन होगी सैमसंग एक ब्रांड का नाम है और कंपनी तो और भी हो सकती है तो कंपनी विल बी द कॉमन नाउन तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या फर्क होता है सिंपल याद रखिए कॉमन नाउन जैसे नाम चल रहा है दे आर वेरी मच कॉमन दे डू नॉट टेल अबाउट द स्पेसिफिक थिंग ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग राइट चलिए तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनके थ्रू आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से कॉमन नाउन होते हैं पहला आता है चीजों चीजों के नाम थिंग्स रूलर पेन पेंसिल बुक लैंप एक्स ये सारी चीजों के जो नाम होते हैं दीज आर द कॉमन नाउन थिंग्स दीज आर द कॉमन थिंग्स राइट अगला आता है दोस्तों एनिमल्स एंड यंग यानी कि एनिमल और उनके बच्चे जैसे डॉग के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं पपी ये प्लीज नाम याद कर लीजिएगा ये काफी लोगों को पता नहीं होता डॉग को पपी कैट को किटन काउ को काफ काल्फ मत पढ़ना ऐसे काफ पढ़ते हैं एल इज साइलेंट एयर ओके हॉर्स को फुल तो इस तरह से आप सारे देख, देख लीजिएगा ये जो सारे जो नाम होंगे ना ये जो सारे नाम होते हैं ये सारे हमारे कॉमन नाउन के अंडर आते हैं द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड देयर यंग वंस कम्स अंडर द दे कम अंडर द कॉमन नाउन जैसे टाइगर के बच्चे को कप कहते हैं बियर के बच्चे को भी कप कहते हैं फॉक्स के बच्चे को भी कप कहते हैं तो काफी सारे जानवर के बच्चों को कप कहा जाता है राइट गोट के बच्चे को किड कहते हैं राइट इंसान के बच्चे को क्या कहते हैं आप मुझे बताइए चलिए अगला देखते हैं प्लेसेस ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कोई प्लेस है कोई बैंक है होटल है, है जू है फैक्ट्री है जिम है टेंपल है स्टेडियम है चर्च है स्कूल है ये सारे जो प्लेसेस होते हैं दे आर ऑल्सो कॉमन नाउन क्या मैंने बताया थिंग्स कौन कौन सी दूसरा एनिमल्स एंड यंग वंस उसके बाद प्लेसेस दे आर द कॉमन नाउन तो ये सारे दोस्तों कॉमन नाउन होते हैं अब आपको क्या करना है अब आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कॉमन नाउन के लिए कॉमन सेंस आपको यूज करना है ये एक्सरसाइज है इसमें आपको कॉमन नाउन पिक करने हैं यू आर टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैविंग द कॉमन नाउन कॉमन नाउन तो है लेकिन आपको पिक करना है जैसे कि आई टोल्ड रोहित अबाउट माई न्यू जॉब आपको बताना है इस पूरे सेंटेंस में कॉमन नाउन कौन सा है रोहित तो हो सकता है कॉमन नाउन नहीं हो सकता चलिए आप बताइएगा मैं नहीं बताऊंगा ये अगला है आ, ये आई नहीं होगा ये माय होगा माय मोबाइल वॉज ब्रोकन प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा ये माय होगा माय मोबाइल वॉज ब्रोकन डज दिस ट्रेन गो टू डेली आपको बताना है कॉमन नाउन कौन सा है द टूरिस्ट विजिटेड आगरा एंड सो ताजमहल इसमें भी आपको बताना कॉमन नाउन देखता आपको कितना समझ में आया है प्लीज नोट करिए यहां पर आपको यह ध्यान रखना है जो वर्ड है वो कॉमन है या नहीं है ठीक है इसके बेस पर आपको बताना है देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट है कॉमन नाउन के रिगार्डिंग तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे द्वारा बनाए गए किसी वीडियो में कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम का मैंने अपने नीचे इसमें लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिए वहाँ पर भी अपने डाउट आप पूछ सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों वीडियो को फैला दीजिए इसकी प्लेलिस्ट को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय